सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जब से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है उसके बारे में हर कोई सब कुछ जानना चाहता है। कहां से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, कैसे उसने पूरे देश और विदेशों में भी आतंक बनाया, कैसे उसकी एक पूरी गैंगस्टर्स की टोली तैयार हुई, इन सभी सवालों के जवाब लॉरेंस की जुर्म की दुनिया में ही छुपे हुए हैं। पिछले कई सालों से उसने उस जिस अंदाज में काम किया है एक ऐसा पैटर्न सेट हुआ है जिससे उसके बारे में काफ़ी कुछ समझा जा सकता है। कैसी है लॉरेंस की जुर्म की दुनिया? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लॉरेंस की इस क्राइम कंपनी में सब कुछ डिजिटल है। ये एक वर्चुअल संसार जैसा नज़र आता है। इस गैंग से जुड़े करीब 1000 लोग, जिसमें शार्प शूटर्स, बदमाश, कैरियर, सप्लायर, रैंकी पर्सन, लॉजिस्टिक स्पॉट बॉय, शेल्टरमैन, सोशल मीडिया वीक के सदस्य आदि शामिल हैं। इस गैंग के टारगेट वर्चुअल नंबरों से ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हैं। लॉरेंस इस कंपनी में मास्टर ब्रेन है तो गोल्डी बरार कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। लॉरेंस का ममेरा भाई सचिन बिश्नोई कंपनी का भर्ती सेल और टारगेट प्लान का प्रमुख है, जबकि ऑस्ट्रिया से अनमोल और कनाडा से विक्रम बराड़ कंपनी की फाइनेंस डील को संभालते हैं। काम करने का तरीका। हैरानी की बात यह है कि इस क्राइम कंपनी में हर टारगेट से जुड़ा शख्स केवल अपने आगे वाले एक शख्स को जानता है। इसके अलावा एक ऑपरेशन में जितने भी बंदे गैंग से जुड़े होते हैं उन्हें बाकी गैंग मेंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती। बाकायदा एक फुल प्रूफ प्लानिंग के मुताबिक गैंग के सदस्यों को अलग अलग काम सौंपे जाते हैं, यानी रेकी कौन करेगा, पनाह कौन देगा, गाड़ियां कौन सप्लाई करेगा, हथियार कौन मुहैया कराएगा, कत्ल के बाद किस तरफ किधर भागना है और सबसे बड़ा सवाल कि फंडिंग कैसे होगी, इसे भी क्राइम मास्टर ही तय करते हैं। किलिंग के वक्त मौजूद गैंग मेंबर भी अक्सर एक दूसरे को नहीं जानते ताकि पकड़े जाने पर गैंग के बाकी सदस्यों पर आँच ना आ सकें। इस पूरी साजिश का ताना बाना सिग्नल ऐप के जरिए होता है, जहां बिना सिम के वर्चुअल नंबरों इंटरनेट के नंबरों से कंपनी की सारी डील, सारी प्लान, पूरा ऑपरेशन और टारगेट फिक्स होते हैं। क्राइम मीटिंग में केवल निर्देश अधिकतर गैंगस्टर सचिन देता है, जिसे आगे गैंग मेंबर फॉलो करते हैं, अपना हिस्सा लेते हैं और फिर अगले काम में जुट जाते हैं। लॉरेंस के गैंग में 1000 के करीब गैंगस्टर, बदमाश और सक्रिय शार्प शूटर देश विदेश में मौजूद हैं। जेल से कैसे चलाता है जुर्म की फैक्ट्री? तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को कुछ इस तरह चलाता है जैसे शायद कोई कभी बाहर रहकर ना चला पाता। सूत्रों की माने तो इस गैंग में करीब 700 से ज़्यादा शूटर्स हैं, जो लॉरेंस के एक इशारे पर किसी को भी मारने निकलने पड़ते हैं। ये सब्जी शूटर्स दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में फैले हैं। इस गैंग का हवाला का पैसा ब्रिटेन और दुबई में भी लगा होने की जानकारी मिली है। फिरौती के लिए अपहरण, कत्ल, जबरन उगाही और गैंग का पैसा कमाने का मुख्य जरिया है, लेकिन कब कहां क्या करना है ये आज भी जेल में बैठकर लॉरेंस ही तय करता है। लॉरेंस की गैंग पूरी दुनिया में फैली है। 31 साल के लॉरेंस पर 65 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो एक बार पुलिस हिरासत से फरार भी हो चुका है। विदेशों में कैसे जमाया अपना सिक्का? सूत्रों के मुताबिक कनाडा में लॉरेंस गैंग का गोल्डी बरार और सतेंद्र ने ठिकाना बना रखा है, जबकि ऑस्ट्रिया में लॉरेंस का भाई अनमोल बैठा है। टारगेट जेल में बैठकर लॉरेंस तय करता है, फिर वो पहला कप्तान संपत नेहरा को देता है। उसके बाद विदेश में बैठे उसके भाई और गैंगस्टर फ़ोन कर लोगों को धमकी देते हैं। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस किसी भी शूटर से खुद बात नहीं करता, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क साधता है। पता यह भी ज़्यादा है कि लॉरेंस गैंग के तार पिछले 5 सालों से मेक्सिको के ड्रग सिंडिकेट से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।